हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर कौशल्या जी, जितेंद्र जी और जो भी बैठे हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं, सबको नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इस तरह का सेमिनार एक कॉलेज में जो लोग करा रहे हैं, जो लोगों ने ये सोचा इस तरह का एक सेमिनार यहाँ होना चाहिए, तो उनको भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सारे साथियों को। और इस तरह के और भी आगे गोष्ठियाँ सेमिनार होने चाहिए, जिससे एक जब तक हम आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे और इन सब विषयों पर, जैसे कि आज का विषय रखा गया है देश की बात, और इसमें युवाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए और क्या है, इस तरह के और भी आयोजन में प्रिंसिपल साहब से भी और कॉलेज के प्रोफेसर स्टूडेंट सभी से, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ यहां पर आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, एक किताबों को पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। जो 3 साल का ये आपका समय होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीजों पर आपस में बैठकर चर्चा करनी होती है और देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, आज की पॉलिटिक्स क्या है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किस पार्टी ने पहले क्या किया, तो उन सब पर आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए ग्रुप में बैठकर, इस पर चिंतन करना चाहिए। एक आज देश कहां जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यहां आप एक डिग्री लेने के लिए नहीं आते, आपका जो संपूर्ण विकास है, जो आप अभी आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप देश में आगे चलकर जब आप स्टूडेंट से एक अगली कड़ी में आते हैं और देश में कोई भी काम करने के लिए जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, चाहे कोई कोई भी काम करे, तो वो उसमें आपकी जो सोच है और जो 3 साल में आपने जिस कॉलेज में भी आप रहे हैं, वहां के शिक्षकों से, वहां के अपने साथियों से जो आप डिस्कस करते हैं, उसी से आपका जो आगे का जो विकास है, असली जो विकास है, वो कॉलेज से ही आपके अंदर आता है। तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सिर्फ यहां आकर सिर्फ अध्ययन करके ही घर चले जाना, ये पूर्ण संपूर्ण आपकी जो एजुकेशन है वो नहीं है। आज जो बात है, एक जो युवा है उसका हमेशा, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी क्रांति नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, जिसने भी तरक्की की है उसमें युवाओं का हमेशा हाथ रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा, क्योंकि यूथ एक ऐसी सबसे जो एनर्जी ज्यादा होती है वो यूथ में ही होती है, और बिना युवाओं के कोई देश तरक्की कर ही नहीं सकता। और हमारे देश ने भी जो तरक्की की है वो युवाओं की वजह से की है। अगर क्रांति आई, जैसे भारद्वाज साहब ने बताया, जितने भी फांसी पर चढ़ने वाले लोग थे वो सारे युवा थे, स्टूडेंट थे, किसी का आप नाम ले लीजिए, और आपको 10-15 लोगों के ही नाम पता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, जतिन दास, अशफाक, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, इन्हीं लोगों के नाम आपको याद है, लेकिन हजारों हजारों लोगों को फांसी हुई थी, जिनका आज इस देश में या इतिहास में कहीं नाम तक नहीं है, तो उनका क्यों नाम है? आप देखिए, किसी भी ऐसे किसी शख्स को फांसी नहीं हुई जो 50 साल से ऊपर था,
30 साल, 32 साल, 22 साल, 18 साल, 16 साल, तो वो क्यों उन लोगों ने अपनी जान दी? क्योंकि जो जुनून, जो संकल्प युवा ले सकता अपने देश के लिए, वो 50 साल या 60 साल से ऊपर जब उम्र हो जाती है वो नहीं ले सकता। तो आज जो हमारे देश की, आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं ना कहीं युवाओं की जो भागीदारी है वो संपूर्ण रूप से उतनी आगे नहीं आ पाई जितनी दूसरे देशों में आई है। उसका कारण क्या रहा है? आज हमारा युवा क्यों भटका हुआ है? युवाओं की भागीदारी तो हमेशा रहती है राष्ट्र के अंदर, आज भी है। आज भी अगर इस मुकाम पर देश पहुंचा है वो युवाओं की वजह से पहुंचा है। अगर आज देश का नाम है, अमेरिका चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, तो कौन नाम करता है? वो 60 साल का बुजुर्ग नाम नहीं करता है, वो युवा ही वहां जाता है। जितने भी लोग आज बड़े बड़े औहदे पे हैं वो सब युवा ही गए थे। तो युवाओं की भागीदारी तो हमेशा रहती है, लेकिन आज हम इस स्थिति में क्यों बैठे? आज का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए आप, आज एक पुलिस की एक रिपोर्ट आई है। हर साल पुलिस अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है, कितना क्राइम बढ़ा, आंकड़े देते हैं वो लोग। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, आज की न्यूज़पेपर की मैं बात बता रहा हूं, उसमें कहा है माइग्रेट हुए हुए जो युवा हैं उनको पैसा चाहिए। वो जब असमानता देखते हैं, अगर बहुत अच्छी कॉलोनी के साथ में कोई झुग्गी है, वहां पे वो जो झुग्गी वाले बच्चे हैं वो देखते हैं कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, इनके पास बहुत अच्छी जीन्स है, तो उस वजह से वो क्राइम कर रहे हैं। इसमें कुछ हद तक सही है लेकिन पूर्ण सच नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे हालात कैसे क्यों हुए यहां? उसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। जो एजुकेशन हमारे युवा को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। जो एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप भाग्यशाली हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और आपको यहां एडमिशन मिल गया। जिनको नहीं मिला उनकी क्या गलती, उनको क्यों नहीं एडमिशन मिला? अगर हम स्कूल कॉलेज, अगर हम स्कूल नहीं बना सकते, कॉलेज नहीं बना सकते, तो युवा कहां जाएगा? तो गलती किसकी है? गलती जो सरकारें थी उनकी गलती है। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर यहां पर 70% जो आबादी है वो गांव में रहते हैं लोग, लेकिन उस टाइम पर जितने भी हमारे नेता थे, चाहे वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चाहे और जितने भी नेता थे, वो सब बड़े घरानों से आए थे, रिच थे, अमीर थे, शहरों से आए थे, आए तो गांव से भी थे बहुत नेता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिन लोगों की भागीदारी रही जब देश आजाद हुआ, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे या जो सरकार में रहे, उन्होंने कभी गांव की बात नहीं की। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर थे जो गरीबों के लिए सोचते थे, और वो उनका जो व्यक्तित्व था इतना बड़ा था, लेकिन उनके जो विचार थे उनको एक अलग कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन उसमें किसी भी नेता ने या किसी बहुत बड़ा काम किया, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनके काम को जो देश में उन्होंने दिया है उनका भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आज अगर एजुकेशन है जो आज बची हुई है, तो उन्होंने उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च सेंटर खोले, IIT खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने की जब बात थी, तो उन्होंने उद्योगीकरण, उन्होंने शहरीकरण के बारे में ज्यादा सोचा। उनकी सोच सही हो सकती है, लेकिन क्योंकि गांधी जी इस चीज के बहुत ज्यादा समर्थक थे। सिर्फ अकेले गांधी जी बोलते थे, जब देश आजाद हुआ और सरकारें बनी तो कोई विपक्ष नहीं था, सिर्फ गांधी जी विपक्ष का काम
कर रहे थे उस टाइम पे, और लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, बहुत दिन वो जीवित नहीं रहे। तो उसके बाद तो कोई किसी ने बोला ही नहीं, कोई विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं थी। तो गांव के बारे में, किसान के बारे में, गांव कैसे किस तरह से खुशहाल हो, गांव किस तरह से किसान आगे बढ़े, और जब किसान आगे बढ़ेगा, गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो 70% यूथ तो गांव में रहता है, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की सुविधा नहीं की गई। और आगे बढ़कर 70 के दशक तक तो क्यों, वो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने तो देश आजाद कराने में, वो ईमानदार थे, अच्छे लोग थे। 70 के बाद, 70 के दशक के बाद, और मैं कहूंगा 80 के बाद, तो जो इस देश का राजनीति का जो आलम हुआ है, जो बुरा हाल हुआ है, वो आपके सामने है। क्योंकि गरीब और अमीर, गरीब लोग गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए, जो सत्ता थी वो गरीबों के हाथ में तो रही नहीं, कभी अमीरों के हाथ में आ गई। उसके बाद जब इलेक्शन, 70 के बाद जो इलेक्शन हुए, तो उसमें क्या हुआ, बूथ कैप्चरिंग होने लगी, और उसमें जो गुंडे तत्व थे, उस टाइप के जो लोग थे, जो बाहुबली थे, जो लोग जिताते थे पॉलिटिशियनों को, उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने सोचा जब हम इनको जिताते हैं तो हम ही क्यों ना बन जाए। तो वो लोग पॉलिटिक्स में आ गए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर होने लगे। आज आप अपने घर में अगर बोले अपने माँ बाप को कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप कह देंगे हाँ आप पॉलिटिक्स में जाइए। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो फिर कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर अच्छा यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आने लगे, तो उनका काम क्या था, जो लुटेरा हो तो देश को भी लुटेगा, अगर वो इलेक्शन में आके बन जाएगा एमएलए तो क्या करेगा, वो तो पहले भी लूटता था, आज भी लूटेगा। तो उस तरह से ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए, और पॉलिटिक्स से लोग घृणा करने लगे, खासकर यूथ बिल्कुल उससे अलग हट गया, उसका नहीं, नहीं मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें तो मेरा काम नहीं है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। तो जब अच्छे लोगों का काम नहीं है, जब सत्ता में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। तो यूथ जैसे अलग हटा पॉलिटिक्स से, वैसे वैसे यहां पर जो गुंडे मवाली उस टाइप के लोग उस सत्ता में आ गए। आपने देखा होगा फलाना बाहुबली, फलाना बाहुबली, सारे बाहुबली उस टाइप के लोग आ गए। तो उससे जो पैसे की, पहले लोग जितने भी थे वो पॉलिटिक्स में आते थे किस लिए, सेवा के लिए आते थे, अब बिजनेस के लिए आते हैं लोग। वो सोचते हैं अगर मैं एमएलए हो गया तो मैं 100-200 करोड़ रुपए कमा लूंगा। और आप देख लीजिए, जैसे ही आप आदमी एमएलए एमपी मंत्री बनता है, तो वैसे ही उसके यहां एक साल के अंदर अंदर सारी वो सुविधा हो जाती है जो उसने कभी देखी नहीं थी। कहां से आता है वो पैसा भाई, हमारा आपका पैसा होता है। तो पॉलिटिक्स में अगर युवाओं की भागीदारी नहीं रही और ईमानदारी से नहीं रही, दूसरी बात एक और है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी ड्यूटी नहीं करते, अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। आज युवा, अगर आप जितने भी लोग बैठे हैं, 60 लोग बैठे हैं, 70 लोग बैठे हैं, अपना काम अभी से, अपना काम जो आपका अपना काम है उसको ईमानदारी से करें, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करें, और अपना जो भी आगे का जो भी आप व्यवसाय चुनना चाहें वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, तो इस देश में कोई किसी चीज की दिक्कत ना हो। आज ये जो करप्शन की बात है वो हो ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही उस चक्कर में पड़ गए। अब आप एजुकेशन जो लेते हैं वो किस चीज के लिए लेते हैं, आप रिच बनने के लिए लेते हैं, आप अमीर बनने के लिए लेते हैं। पहले से ही बच्चा 10th क्लास में होता है, 11th क्लास में होता है, 12th क्लास में होता है, माँ बाप को टेंशन रहती है कि इंजीनियरिंग करेगा कि नहीं करेगा, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, या अच्छी नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, उसका पैकेज 12 लाख का होगा कि नहीं होगा,
तो इसी चक्कर में सिर्फ आप एजुकेशन जो लेते हैं वो सिर्फ रिच बनने के लिए लेते हैं, अमीर बनने के लिए लेते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं लेते। जिस दिन आप एजुकेशन राष्ट्र निर्माण के लिए लेने लगेंगे, अमीर बनने के लिए नहीं लेंगे, एक गुड सिटीजन, एक अच्छा, जो आप शिक्षा किस लिए दी जाती है, शिक्षा इसलिए दी जाती है आप एक अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक बनकर जो आप जो भी शिक्षा ग्रहण करें उसको ईमानदारी से आगे, देश निर्माण कब होगा, जब आप कहीं नौकरी करेंगे, इकोनॉमी बढ़ती है उससे, किसी भी चीज से। तो अगर अपना काम हम ईमानदारी से सभी लोग करें। अच्छा, दूसरी चीज और भी है, एक मैं भाषण तो दे दूंगा, लेकिन आप मेरा भाषण कब सुनेंगे, तब सुनेंगे, भाषण तो सुन लेंगे लेकिन बाहर जाकर कहेंगे देखो चेयरमैन अपना काम तो करता नहीं, हमें यहां भाषण पेल रहा है, यहां पे है, अपना काम तो करता नहीं है, कभी आता नहीं है, कॉलेज के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमें सिखा रहा है कि कैसे काम करना चाहिए। तो इस कभी भी आप देख लीजिएगा, जैसे अन्ना हजारे का क्यों लोगों ने बात सुनते हैं, या किसी ऐसे आदमी की क्यों बात सुनते हैं, क्यों, वो खुद अपना काम जो आदमी ठीक ढंग से करता है, अगर कोई टीचर ठीक ढंग से पढ़ाता है ना, उसकी बात उससे ज्यादा मानते हैं, जो टीचर नहीं पढ़ाता है उसकी बात नहीं मानते। अगर कोई टीचर कहेगा भाई अंदर आओ आप, और आप ये क्या कर रहे हो, तो बच्चे के मन में ये होता है खुद तो पढ़ाते नहीं है और हमें भाषण दे रहे हैं। तो जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपनी नीयत साफ नहीं रखेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो हम दूसरे को नहीं कह सकते। इसलिए युवाओं को चाहिए एक वो पहले अपनी एजुकेशन ईमानदारी से लें, अपने कॉलेज में ही अगर स्वच्छ भारत अभियान या कोई भी है, कोई भी ऐसा कॉलेज में कोई अभियान आपने चलाना है, आपने देखा है कोई बच्चा, तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं लेकिन उनका मजाक बनाया जाता है क्योंकि वो अकेले होते हैं। तो अपना काम आप स्वयं ठीक ढंग से करें, अपनी क्लास ठीक ढंग से करवाएं, अगर कोई टीचर नहीं आता है तो सब मिलके जाएं, अपने क्लासरूम को अच्छा रखें, अपने कॉलेज को अच्छा रखें, सोचें अपने कॉलेज के बारे में कि भाई हमारा कॉलेज आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम भी होगा। तो अपना काम आप लोगों को सही ढंग से अगर जिस दिन आप कर लेंगे तो इस कॉलेज का नाम भी होगा, देश का नाम भी होगा। हम अपने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करते। जिस दिन हम अपनी ड्यूटीज की बात करने लगेंगे, चाहे वो अपना घर हो, चाहे कॉलेज हो या देश हो, हम दूसरे के लिए तो कह देते हैं। एक बाबू जब चलता है घर से, जब बस में बैठता है, तो आपने देखा होगा, तो डीटीसी वो वाली नहीं रही, पहले सभी लोग हरियाणा के हुआ करते थे उसमें, तो उसमें बड़ा झगड़ा हुआ करता था, तो वही बाबू पहले डीटीसी को गाली देगा, फिर या ऑटो में जाएगा तो ऑटो वाले को गाली देगा, नहीं 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 देखिए ये इसने 10 रुपए लेने थे, इसने 20 रुपए ले लिए। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है जाके, वहां रिश्वत लेने लगता है, या वो 10:30 बजे पहुंचेगा, कोई आया है तो उसको कहेगा नहीं नहीं अभी तो मेरा चाय का टाइम, थोड़ी देर बाद आई, पूरे दिन वो क्या कहते हैं ऐसा काम करेगा, पैसे कमाएगा खाएगा, है ना, अपना काम नहीं करेगा, टाइम से आएगा नहीं, टाइम से आएगी, लेकिन फिर वो वापस आएगा तो फिर वही बात करेगा देश की, नहीं नहीं देखो देखो ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, खुद तो करेगा लेकिन दूसरा ना करेगा। तो ये जो हमारी भावना है ना, इसको हमें निकालना होगा, और अपनी अपनी जो ड्यूटीज है उसको ठीक ढंग से करना होगा, चाहे वो अपना घर हो, चाहे अपना दफ्तर हो, चाहे अपना कॉलेज हो, जो भी जहां रहे। मेरी ये आप सब लोगों को ये विनती है, आप जहां भी रहे, इस कॉलेज का नाम तभी होगा तब अपनी ड्यूटी आप सही ढंग से करेंगे, अपना काम सही ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो वहां भी ये नाम होगा भाई ये कहां से पढ़ के आए, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से पढ़ के आए। तो मेरी यही आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा, एक युवाओं का राष्ट्र निर्माण में जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, और हर कंट्री में होता है, हर समाज में होता है, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएंगे तो ये राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, ये कॉलेज भी आगे बढ़ेगा, और ये समाज भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू।